लेडी कांस्टेबल को लेनी पड़ी बस की टिकट, तो हरियाणा और राजस्थान रोडवेज में छिड़ा जंगी चालान। महिला कांस्टेबल का टिकट न लेने पर चालान काटने का वायरल वीडियो के चलते राजस्थान और हरियाणा में बड़ा बवाल मच गया, जिससे नाराज हरियाणा पुलिस ने राजस्थान रोडवेज की 90 बसों के चालान काटे। बदले में इससे नाराज होकर सिंधी कैंप बस स्टैंड और सडवा मोड़ पर एक ही दिन में राजस्थान में 26 बसों के चालान कर दिए गए। इस पर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि एक मसला बन गया था, हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच पर वो सेटल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से बात करके वो मामला खत्म हो गया। वहीं परिवहन मंत्री बनते ही अनिल विज ने रोडवेज को सुधारने का काम शुरू कर दिया है। अंबाला कैंट के बस स्टैंड की रिपेयर के लिए अनिल विज ने लगभग 93 लाख रुपए मंजूर करवाए, जो कि आ गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लगभग 93 लाख रुपए बस स्टैंड के लिए आ गए हैं, जो भी टूट फूट ठीक करनी है, और चमके का बस स्टैंड और चमके का पूरा हरियाणा। उन्होंने कहा कि जाकर देख लो, हरियाणा का एक एक बस अड्डा धो के साफ करके हर जगह पर काम हो रहा है। आप देख रहे हैं हरियाणा ब्यूरो रिपोर्ट। तो कब तक ये का काम? वो पैसे आ गए, अब उसका आगे प्रोसेस है। लगभग 93 लाख रुपए है और इसके लिए आगे जो टूट फूट है, रिपेयर करनी है, रंग रोगन वृद्धि करनी है, उसके लिए आगे चमकेगा बस स्टैंड और सारे ही चमकेंगे हरियाणा के। आप जाके देख लो, आज हरियाणा का एक एक बस स्टैंड पूरी तरह से धो के साफ करके हर जगह पर काम हो रहा है। क्या नहीं बसें भी कुछ खरीदने की? अब सारा करेंगे, अभी डिपार्टमेंट के साथ बात करेंगे, फिर देखेंगे क्या करने वाला क्या नहीं करने वाला। दूसरों पे दोषारोपण करना, अपने असफलताओं को लेकर, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र बन गया। खुद कुछ करते नहीं, बस 10 साल हो गए तुम्हें दिल्ली में आए, क्यों नहीं यमुना साफ हुई? जो नाले यमुना में गिर रहे हैं उनके ऊपर प्लांट क्यों नहीं लगे? अब ये हरियाणा बताएगा, यूपी बताएगा? आप जितनी यमुना हरियाणा में बहती है दिल्ली में प्रवेश करने से पहले उसका BOD चेक कर लो, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला तक उसका BOD चेक कर लो, पता लग जाएगा कि गंदगी कौन फैला रहा है, हरियाणा फैला रहा है या दिल्ली फैला रही है। अब दिल्ली वालों की गंदगी हम थोड़ा साफ करेंगे, वो तो आम आदमी पार्टी को ही करनी पड़ेगी और कर रहे नहीं, बयानबाजियां कर रहे हैं। 10 साल हो गए इनको यही बयान देते। केजरीवाल को क्या होगा? BJP सरकार जिम्मेवार क्यों होगी? आप बताइए ना, ऐसे ही मैं कह दूं, कोई कारण तो बताओ ना कि ये कारण है, फिर कारण बताएंगे तो फिर उस पर विचार भी करेंगे। अब तुम घर में बैठे कहीं जो, तो कोई ना कोई कारण तो बताना पड़ेगा। ये एक मसला बन गया था, हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच में, पर वो सेटल कर लिया गया, अधिकारियों से बात करके वो मामला ख़त्म हो गया।